नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, एसिड अटैक का बड़ा मामला सामने आया है। गोंडा से सोते समय तीन बहनों पर तेजाब से हमला किया गया है। तीन दलित बहनों पर एसिड अटैक हुआ है। बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई है, दो छोटी बहनों पर भी। तीनों बहनें जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना के पीछे के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। परसपुर के पक्का गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तीन बहनों के ऊपर सोते समय तेजाब से हमला किया गया है, जिसमें बड़ी बहन बुरी तरह से झुलस गई है। बाकी दो बहनें भी इस एसिड अटैक में झुलस गई हैं। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो गोंडा से बड़ी खबर, तीन दलित बहनों के ऊपर सोते समय तेजाब से हमला किया गया है। फिलहाल किन लोगों ने हमला किया, किस वजह से हमला किया, इस बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। गोंडा से हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। विशाल, गोंडा में अभी कुछ दिन पहले एक संत के ऊपर गोली चली थी, हमला हुआ था, और एक बार फिर से दलित लड़कियों के ऊपर सोते समय तेजाब से हमला हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह आप कह लें कि पूरे यूपी में जो कानून व्यवस्था बेखौफ है, और ऐसे में ही अब एक बार फिर से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर सोते समय तीन सगी बहनों का एसिड अटैक किया गया है। जिसमें जो बड़ी बहन है उसकी हालत बहुत ही नाजुक है और गंभीर बनी हुई है, और वह पूरी तरह झुलसी हुई है, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका है। तो वहीं दो जो और सगी छोटी बहनें हैं उन पर भी एसिड के छींटे पड़े हैं, जिससे कि वह भी घायल है। हालांकि वो खतरे के उससे बाहर है, खतरे के दायरे से, लेकिन बड़ी बहन अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस पूरे मामले के बाबत यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष हैं परसपुर, उन्होंने एसिड अटैक की बात कबूली तो है, लेकिन अभी तक परसपुर पुलिस यह बता पाने में पूरी तरह असमर्थ है कि कारण क्या था और किस मामले को लेकर यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में आपको यह भी बता दूं कि जो तीन सगी बहनें हैं जिन पर एसिड का अटैक किया गया है, यह तीनों बहनें अनुसूचित जाति की हैं। फिलहाल इन तीनों बहनों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, और अब गोंडा एसपी इस पूरे मामले पर लगातार खुद अपनी निगाह बनाए हुए हैं, और उनका कहना है कि और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जिस तरह अभी बीते दिनों दो तीन दिन पहले ही एक संत हैं जिनके ऊपर गोली मारी गई थी और उनके हत्या का प्रयास किया गया था, तो मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था, और अयोध्या से संतों ने गोंडा कूच भी किया था, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष तत्कालीन इतिहासोक थे उनको लाइन हाजिर कर दिया था, और अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा तो नहीं कर पाई है, लेकिन दो लोगों की गिरफ्तारी घटने के चंद घंटों बाद ही कर ली थी। अब यही कहा जाता है कि इस तरह जो यहाँ पर पुलिस है उसका जो इकबाल है वह खत्म होता गोंडा में दिखाई दे रहा है। विशाल, अभी पुलिस तो उन लोगों का पता नहीं लगा पाई है जिन लोगों ने लड़कियों के ऊपर तेजाब से हमला किया। परिवार की तरफ से इस मामले में कोई बयान आया है, किनके ऊपर, मतलब किसी के ऊपर अंदेशा जताया गया है, या फिर किसी पहले किसी से झगड़ा या कोई विवाद जिसकी वजह से ये घटना हुई हो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो पांडे, उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर निगरानी कर ली है और खुद कमांड ले लिया है और पूरे मामले की निगरानी वह खुद कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी जो परिजन है उनसे भी जो स्थानीय परसपुर पुलिस है जिसकी पूरी विफलता नजर आई है इस मामले में, वह पूछताछ कर रही है, और इस बाबत थाना अध्यक्ष ने क्या बताया तो कि एसिड अटैक का मामला हुआ है, लेकिन अभी तक क्या नहीं बता पा रही है। तो वहीं अब पुलिस का यह कहना है कि परिजनों से पूछताछ करके और तहरीर लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मामला बहुत बड़ा है, और अब ऐसे में परसपुर पुलिस किस तरह इस मामले का पटाक्षेप का अनावरण या खुलासा करती है, यह एक चुनौती है परसपुर पुलिस के लिए। जी विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत